हाय एंड वेलकम टू दी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कोर्स। मैं हूं फाद हुसैन, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे मिजाज में होंगे। प्रीवियस सेशन पे हमने जाना कि टॉपिक मॉडलिंग के अंदर नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन क्या है, और ना सिर्फ हमने थ्योरेटिकली बल्कि एक छोटे एग्जांपल कोड के साथ हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके भी देखा। इस सेशन के अंदर हम नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन को उसी NPR डेटा सेट पर इस्तेमाल करके देखेंगे, और साथ ही साथ हम चेंजिंग भी इम्प्लीमेंट करके देखेंगे और समझेंगे कि एक्चुअली जब हम LDA मेथड को इस्तेमाल कर रहे थे उस डेटा सेट पर तो वो किस तरह से हो रहा था, और जब हम यहाँ पर नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करेंगे तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से होगी। लिहाजा वीडियो को फर्दर स्टार्ट करने से पहले बताते चलूँ कि इससे रिलेटेड प्रीवियसली वीडियो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। आप फाद हुसैन CS से यूट्यूब पर सर्च करके मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हो। इस पर क्लिक करके आप इसके प्लेलिस्ट पर जाओगे, वो तमाम रिलेटेड वीडियो जो कि डिफरेंट डिसिप्लिनस की हैं इसके प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगी, और विद ईज़ आप इन तमाम को वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी कंटेंट रिलेटेड मटेरियल है यानी प्रेजेंटेशन, स्लाइड, कोड, वो मेरे ब्लॉग पे मौजूद है। आप गूगल पे फाद हुसैन CS से सर्च करके मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर आकर वो तमाम चीज़ें फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं। लिहाजा अगर आप यूट्यूब चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बरवक जानकारी मिले। तो प्रीवियस सेशन के अंदर मैं तफसील इस हवाले से बता चुका हूँ कि नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, और इसका जो इंटरनल वर्किंग इसकी थी वो भी हमने जानी थी कि एक सिंपल मैट्रिक्स दो सेपरेट मैट्रिक्स में कन्वर्ट होता है जिसको हम W and H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका बेसिक पर्पज़ ये है कि हम अपने मैट्रिक्स को जो कि नॉन नेगेटिव नंबर पर मुश्तमिल है उसको हम फैक्टराइज़ कर रहे होते हैं ताकि हम उसे डायमेंशनल रिडक्शन या फिर क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल कर सकें, और साथ ही साथ जब हम इसे यूज़ कर रहे होते हैं तो TF IDF इसके साथ ज्वाइन होता है जिसके ज़रिए से हम अपने टॉपिक को मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्रीवियस सेशन के अंदर हम तफसीलन थियोरेटिकली इस हवाले से जान चुके हैं। इस सेशन पर मैं NPR के डेटा सेट को यानी नेशनल पब्लिक रेडियो का जो डेटा सेट है जो कि इस वेबसाइट से लिया गया है उसे मैं यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ, और अगर मैं उसे एक्सेल सेपरेट फाइल पे दिखाऊँ एक्सेल के तो इसमें डिफरेंट आर्टिकल्स हैं, ठीक है, जो कि नंबर्स ऑफ डेटा सेट पर मौजूद हैं, और अगर मैं कलेक्शन की बात करूँ तो 12,000 प्लस डेटा यहाँ पर इन टर्म ऑफ द आर्टिकल मौजूद है जो कि अनसुपरवाइज मैनर पर मौजूद है। हम यहाँ पर क्लस्टरिंग के यानी नॉन नेगेटिव फैक्टराइजेशन मेथड को इस्तेमाल करते हुए अपने इस आर्टिकल को एक टॉपिक असाइन करेंगे जो हमारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटिंग का पार्ट होगा। लिहाजा इस डेटा सेट को मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहा हूँ इस वक्त, और इसके लिए जो कोलैब का कोड होता है मैंने उसे इसे इम्पोर्ट किया है, और इम्पोर्ट करने के बाद इस वक्त ये 40+ यानी आई थिंक इट्स अबाउट 43% अपलोड हो चुका है। तो हम वेट करते हैं कि जैसे ये कंप्लीट फाइल हमारी अपलोड होती है उसके बाद हम सो ऑन आके चलेंगे। ओके, नाउ इट्स ऑलमोस्ट डन, और लेट मी रिमाइंड यू कि फाइल का जो साइज़ है वो थोड़ा सा ह्यूज है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द अदर टाइप्स, तो यही वजह है कि आपको पैनिक नहीं होना है। ये कम से कम 2 से 3 मिनट का इजाफी वक्त इससे दरकार है अपलोड होने के लिए। तो जैसे ही हमारा फाइल 100% यहाँ पर अपलोड होता है उसके बाद हम इसके हैड के ज़रिए से डॉट हैड मैथड के ज़रिए से हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स को देखेंगे, और उसके बाद एज़ यूजल हम वो तमाम स्टेप्स को फॉलो करेंगे जिसमें मौजूद है। तो इस वक्त मैंने मल्टीपल टाइम NP फाइल को अपलोड किया हुआ, ऑरिजिनली इसका नाम NPR है लेकिन मल्टीपल टाइम अपलोड करने की वजह से इस पर 4 लिखा आ रहा है यहाँ पर, तो यही वजह है मैंने वही नाम यहाँ पर लिखकर अपलोड किया है इसे। तो उसके बेस पर आप यहाँ पर देख रहे हो कि हमें यहाँ पर वो आर्टिकल्स लिखे हुए दिख रहे हैं जो मैंने अभी आपको कॉमा सेपरेटेड फाइल से भी दिखाया था। तो अगर प्री प्रोसेसिंग के स्टेप में जाने से पहले मैं सबसे पहले अगर इसकी लेंथ देखूँ और शेप देखूँ तो सबसे पहले हम लेंथ को देखते हैं। तो लेंथ पर हमें टोटल नंबर ऑफ़ दी एलिमेंट का पता चलेगा कि 11992 हमारे पास इसकी आर्टिकल की लेंथ है, और साथ ही साथ अगर मैं इसके शेप को देखूं तो जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हमारे पास ये आर्टिकल में मौजूद हैं वो बाय 1 के फॉर्म पर मौजूद है, ठीक है। ओरिजिनली हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिविजुअल कॉलम्स रॉ है जिसमें हमारे आर्टिकल्स मौजूद हैं, और इन फ्यूचर हम यहाँ पर नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन को इस्तेमाल करके एक सेपरेट कॉलम ऐड करना चाहते हैं जिसमें हम टॉपिक असाइन कर सकें। तो अगर मैं अपने आर्टिकल्स एट्रीब्यूट से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस आर्टिकल एट्रीब्यूट कॉलम में से किसी एक को यहाँ पर कॉल करूँ यानी इंडेक्स नंबर 1 के फॉर्म को मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल यहाँ पर मुझे आर्टिकल दिख रहा है, और आप इसे इनलार्ज करके भी यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि मैं यहाँ पर काउंट वैक्टराइज़र का इस्तेमाल करूँ जिसके ज़रिए से हम अपने डेटा को प्री प्रोसेस करेंगे, और साथ ही साथ जो स्टॉप वर्ड्स हैं
जो हमारे आर्टिकल्स में मौजूद हैं उसको रिमूव करें। काउंट वेक्टराइज़र के हवाले से सेपरेटली वीडियो में भी हमारी बात हो चुकी है, और उस काउंट वेक्टराइज़र में से मैंने मैक्स डीएफ और मिन डीएफ की कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी रखी है जो थ्रेशोल्ड लेवल को एक्सेस देती है कि किस तरह की थ्रेशोल्ड लेवल पर आप अपने वोकैबुलरी को इग्नोर करवाना चाहते हैं, उसकी मैक्सिमम और उसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। और जो स्टॉप वर्ड्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ वो इंग्लिश है, तो लिहाजा वहाँ पर इंग्लिश लिखा गया है। तो सबसे पहले मैं काउंट वेक्टराइज़र को इम्पोर्ट करता हूँ, और उसके बाद जहाँ पर हम अपने एट्रीब्यूट को यानी काउंट वेक्टराइज़र को एज ए इंस्टेंस सीवी इस्तेमाल कर रहे हैं और फिट ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो फिट ट्रांसफॉर्म एक्चुअली मैं अपने एनपीआर के आर्टिकल एट्रीब्यूट को कर रहा हूँ, और एट लास्ट जब मैं फिट ट्रांसफॉर्म कर लूँगा तो वो आर्टिकल एट्रीब्यूट डीटीएम विच मीन डॉक्यूमेंट ट्रम मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं। प्रीवियस सेशन पर भी इसके हवाले से तफसील बात हो चुकी है कि ये क्या है और हम क्यों कर रहे हैं। अब हम इस DTM विच मीन डॉक्यूमेंट ट्रम मैट्रिक्स को इस्तेमाल करेंगे अपने उस मॉडल के लिए जिस मॉडल को हम यहाँ पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, यानी नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन को। अगर बगौर देखो तो इनिशियली जो हमारे पास एट्रीब्यूट था, अब जब हमने उसकी शेप को देखा तो वो 11992 मल्टीप्लाई बाय 1 था, लेकिन जब मैंने काउंट वेक्टराइजर को इस्तेमाल किया तो एक ह्यूज नंबर ऑफ मैट्रिक्स स्पार्स मैट्रिक्स के फॉर्म पर वो क्रिएट हुआ है, जिसमें नंबर ऑफ जीरोस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके ज़रिए से हम अपने आर्टिकल में मौजूद फीचर को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे इन फ्यूचर। तो लिहाजा जब मैंने डॉक्यूमेंट ट्रम मैट्रिक्स बनाया और उस डॉक्यूमेंट ट्रम मैट्रिक्स को अपने नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन पर फिट करवा लिया, वाज़े रहे कि यहाँ पर मैं LDA ऑब्जेक्ट इंस्टेंस के नाम को चेंज नहीं कर रहा हूँ। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि एज अ वेरिएबल ये यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, और अगर मैं इस LDA को यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा तो मुझे नीचे जहाँ जहाँ LDA का नाम है उसे भी एक्सचेंज करना होगा, तो मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। ऑल दो क्योंकि जो चेंजिंग मैं यहाँ पर कर रहा हूँ वो वही फाइल है जो LDA के लिए इस्तेमाल की थी। आप देख भी रहे हो कि मैंने LDA के दोनों लाइन को कमेंट कर दिया है, और साकेट लर्न से ही मैंने NMF को कॉल किया, और उसके बाद वहाँ कंपोनेंट की क्वांटिटी और रैंडम स्टेट भी वही रखा है जो LDA के अंदर रखा गया था। अब प्री प्रोसेसिंग का इनिशियल पार्ट यहाँ पर हो चुका है, जिसमें हमने काउंट वेक्टराइजर को डॉक्यूमेंट ट्रम मैट्रिक्स के फॉर्म पर इस्तेमाल किया, और उसके बाद NMF पर उसे हमने फिट करवा दिया। अब तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है कि हम वोकैबुलरी को ग्रैब करें, टॉपिक को ग्रैब करें, और फाइनली उन टॉपिक्स में से जिनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसको हम अपने टॉपिक के फॉर्म पर असाइन कर सकें। लिहाजा सबसे पहले हम अपने CV, अगर ओरिजिनली आप CV को देखो तो CV वो वेरिएबल है हमारे पास जो काउंट वेक्टराइजर को यहाँ पर यूज़ कर रहा है। अगर हम काउंट वेक्टराइजर से देखें कि हमारे पास फीचर की क्वांटिटी कितनी है, तो इसके लिए यहाँ पर हमने फर्स्ट टॉपिक ग्रैब द वोकैबुलरी के लिए ये काम किया हुआ है। तो ग्रैब द वोकैबुलरी में सबसे पहले मैंने अपने काउंट वेक्टराइजर से फीचर्स की लेंथ देखी, क्योंकि ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारे पास फीचर की क्वांटिटी क्या है। और अगर आप इसके टाइप को देखो तो ये टाइप हमारे पास लिस्ट के फॉर्म पर आ रहा है। फॉर एग्जांपल इन्हीं फीचर्स में से मैं किसी एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की या स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर में फीचर देखना चाह रहा हूँ कि इस स्पेसिफिक आर्टिकल के इंडेक्स नंबर 5510 पर इस वक्त कौन सा फीचर मौजूद है। तो आप देख रहे हो कि जब भी आप यहाँ पर कुछ मल्टीपल वर्ड्स नंबर लिखोगे तो उसके मल्टीपल फीचर्स यहाँ पर आने लगेंगे। उसके बाद इन्हीं फीचर्स को क्योंकि जो लेंथ है हमारे पास उस लेंथ के मुताबिक मैंने यहाँ पर कुछ रैंडम अपना एक फॉर लूप क्रिएट किया है, जिसके ज़रिए से मैं क्या कर रहा हूँ कि जितने फीचर्स हैं उनमें रैंडम फीचर को क्रिएट कर रहा हूँ मैं, कॉल कर रहा हूँ, क्रिएट तो वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है। तो हमने सबसे पहले रैंडम को इम्पोर्ट किया, और उसके बाद फॉर लूप के अंदर मैंने 10 स्पेसिफिक फीचर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, और वो रैंडमाइज में इनके दरमियान होंगी, यानी रैंडम 10 फीचर्स तो हमारे पास आएंगे लेकिन उनकी रेंज जो है 0 से 54776 के दरमियान होगी। लिहाजा अगर आप इस बिहाफ पर देखें तो आपके पास डिफरेंट फीचर्स यहाँ पर आ रहे हैं जो जब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो रैंडम वे पर वो बार बार चेंज होते रहेंगे, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी रहे हो। अब पहली चीज़ हमने यहाँ पर देख ली जो प्रीवियस सेशन पर जब मैंने LDA मेथड को इस्तेमाल किया था वहाँ पर भी हमने इसको यूज़ किया था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम हमारा सिर्फ और सिर्फ ये है, बाकी रेस्ट ऑफ दी तमाम कोड बिल्कुल वही रहेगा क्योंकि हमारे पास डेटा सेट भी वही है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट समझना चाह रहे हैं कि LDA मेथड और NMF मेथड में एक्चुअली फ़र्क क्या है और वो किस तरह से वर्क कर रहा होगा। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये देख ली। अब हमें टॉपिक ग्रैप करना है, क्योंकि हमने जब मेथड इस्तेमाल किया NMF तो वहाँ पर जो इंस्टेंस का नाम है वो LDA है, ठीक है, मैंने डेलिब्रेटली उसे चेंज नहीं किया ताकि मुझे बार बार चेंज ना करना पड़े। तो उसमें जो कंपोनेंट की क्वांटिटी है वो 7 है, जब मैंने यहाँ पर उसका इंस्टेंस क्रिएट किया तो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर एन कंपोनेंट की क्वांटिटी 7 है। तो 7 के बिहाफ पर यहाँ पर टॉपिक को हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ, तो लेंथ देखी जाए तो उसकी 7 है, और अगर मैं इसकी कंपोनेंट की शेप देखूँ तो हर एक कंपोनेंट के 5477 क्या हैं, फीचर्स हैं हर एक टॉपिक के, क्योंकि जब हमने
काउंट वैक्टराइजर के बाद अपने डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स में NMF को इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद हर एक फीचर जो हमारे टॉपिक्स थे उसके डिफरेंट फीचर्स बन गए, जो अभी हमने इंपोर्ट करके भी देखा। इन फीचर्स की हम प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर मालूम करेंगे। तो अगर मैं सिर्फ एक ज़ीरो एलिमेंट या इंडेक्स पर मौजूद किसी आर्टिकल्स की लेंथ देखूं, तो यहाँ पर एक की 54777 क्वांटिटी वाइज फीचर मौजूद है। अगर एक सिंगल टॉपिक में किसी देखना चाह रहा हूँ अपने LDA कंपोनेंट्स में से, तो मैं उसे भी देख सकता हूँ। लिहाजा इसके लिए मैंने सिंगल टॉपिक का एक इंस्टेंस क्रिएट किया LDA कंपोनेंट से, और उसके बाद आर्क सॉर्ट के ज़रिए से मैं उनकी प्रोबेबिलिटी देखना चाह रहा हूँ। तो मैंने आर्क सॉर्ट को डिस्प्ले करवाया इसके, तो यहाँ पर डिफरेंट आर्ट सॉर्ट यहाँ पर एक ऑर्डर्ड के फॉर्म पर आ चुके हैं। अच्छा, आर्ट सॉर्ट मैंने प्रीवियस सेशन पे भी बताया हुआ था कि आर्ट सॉर्ट बनाने की वजह या कॉल करने की वजह ये होती है कि जब हम किसी नंबर सिस्टम को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब देते हैं, सॉर्ट करते हैं, तो हमारे पास नंबर्स आते हैं। लेकिन आर्ट सॉर्ट क्या करता है, उस स्पेसिफिक नंबर के इंडेक्स नंबर को हमें रिप्लाई करता है। तो यहाँ पर जो 17319 है, ये एक्चुअली वैल्यू नहीं है, बल्कि उस स्पेसिफिक फीचर का इंडेक्स नंबर है जो आर्क सॉर्ट की वजह से फ़िल्टर होने के बाद यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो चुका है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने अगले चंक में यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया और उसको आर्क सॉर्ट के ज़रिए से मैं यहाँ डिस्प्ले करवा रहा हूँ। तो अगर आप इस चंक में देखें तो हमारे पास 10201 मौजूद है। तो जब ये फ़िल्टर हुआ असेंडिंग ऑर्डर में, तो इस वक्त 1 जो है वो इंडेक्स नंबर 2 पर मौजूद है। तो देखो, 2 पहले लिखा आ गया, उसके बाद 10 आना चाहिए, तो 10 0 इंडेक्स पर मौजूद है और 200 हमारे 1 पर मौजूद है, तो यहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आर्क सॉर्ट की डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर होती है। और उसके बाद चाहें तो आप किसी सिंगल टॉपिक्स को भी देख सकते हैं जो लीस्ट रिप्रेजेंटेटिव कर रहा हो या मोस्ट रिप्रेजेंट कर रहा हो किसी भी टॉपिक को, और उसी तरह आप उसको लूपिंग के अंदर भी लाकर देख सकते हैं जो डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करेगा या टॉपिक को करेगा बाय यूजिंग LDA। तो मैंने सिंगल टॉपिक की प्रोबेबिलिटी देखी, इसी तरह दूसरे टॉपिक की प्रोबेबिलिटी देखी जो कि यहाँ पे जीरो आ रही है, और अब मैं आर्क सॉर्ट के ज़रिए से टॉप 10 फीचर्स को देखना चाह रहा हूँ आर्ट सॉर्ट के। तो 515008 ये एक असेंडिंग ऑर्डर में आने वाला एक फीचर है जो फर्स्ट इंडेक्स नंबर पे यहाँ पे शो हो रहा है, एंड सो ऑन, अलग अलग है। तो अब हम ये चाहते हैं कि एक्चुअली इनकी वैल्यूज़ जो है वो प्रोबेबिलिटी वाइज शो हो, इंडेक्स वाइज ना शो हो। लिहाजा इसके लिए हमने यहाँ पर टॉप वर्ड इंडेक्सेस बनाए और आर्ट सॉर्ट के ज़रिए से हम टॉप 10 की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर कॉल करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैंने फॉर लूप के अंदर अपने इस टॉप वर्ड इंडेक्सेस को कॉल किया, और अब हम उसकी फीचर्स देख रहे हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी आ रही थी उनके अब वर्ड्स यहाँ पर आना शुरू हो गए। पहले हम आर्क सॉर्ट के ज़रिए से उनके इंडेक्सेस कॉल कर रहे थे, अब वो वर्ड्स आ चुके हैं जो एज लाइक टॉपिक के अंदर हो सकते हैं। तो उसके बाद अब बारी आती है कि जो टॉपिक्स हमारे पास बन रहे हैं यहाँ पर डिफरेंट, वो एक टॉपिक में मौजूद डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने टॉपिक डिसाइड किया है 0 से 6, विच मीन 7 हमारे पास टॉपिक्स हैं, और उन 7 टॉपिक्स के अंदर डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप वर्ड्स देख रहे हो। तो उन वर्ड्स की डिफरेंट प्रोबेबिलिटी होगी कि ये वर्ड्स आ रहा है अगर 0 टॉपिक के अंदर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, दूसरे की क्या है, तीसरे की क्या है। लिहाजा इसके लिए हमने फॉर लूप का यहाँ पर इस्तेमाल किया और LDA कंपोनेंट यानी 0 to 7 जो रेंज है उसको हम इस्तेमाल करके हर एक टॉपिक के टॉप 50 वर्ड्स को कॉल कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जब हमने फीचर देखा तो यहाँ पर इंडेक्सिंग के ज़रिए से मैंने 10 किया, अब मैं हर एक टॉपिक के टॉप 15 वर्ड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ बाई यूजिंग आर्क सॉर्ट। इसके रिस्पेक्ट से अगर आप देखो तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, और एग्जीक्यूट करते हुए बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम LDA मेथड के ज़रिए से ये काम कर रहे थे, हमारे पास 0 to 7 टॉपिक डिसाइड हो गया। अब ये 0 to 7 टॉपिक्स कॉम्बिनेशन वाइज कुछ भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं टॉपिक नंबर 0 को देखूं, तो 0 के अंदर आप देख रहे हैं कि ज़्यादातर वर्ड्स जो हैं न्यू, लॉट, मेक, थिंग्स, डन, वे, टाइम, गोइंग, रियली, नो, थिंग, जस्ट, पीपल, लाइक, तो ये डोमेस्टिक वे पे एक टॉपिक डिसाइड कर रहा है। इसी तरह टॉपिक 2 पे देखें तो ज़्यादातर बात जो है यहाँ पर गवर्नमेंट, सेज, सिटी, डे, यूनिवर्सिटी, एजुकेशन, एयर्स, वाटर, फूड आइटम, तो ये इस तरह से एक यूनिवर्सिटी वाइज या एजुकेशन वाइज टॉपिक को डिसाइड कर रहा है। टॉपिक 3 हमारे पास कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड टॉपिक हो सकते हैं, टॉपिक 4 इलेक्शन से रिलेटेड, एंड सो ऑन, ये टॉपिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिहाजा अभी तक हमने ना सिर्फ फीचर को एक्सट्रैक्ट किया बल्कि साथ ही साथ हम टॉपिक को भी यहाँ पर डिसाइड कर चुके हैं। अब फाइनली हमें टॉपिक की प्रोबेबिलिटी देखनी है कि अगर टॉपिक 0 के अंदर ये तमाम वर्ड्स आ रहे हैं तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी वाइज टॉपिक को चूज़ करते हुए हम टॉपिक डिसाइड कर सकें कि जो आर्टिकल हमारे पास मौजूद है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5 या 6 से बिलोंग करता है। लिहाजा इसके लिए हमने अपने डॉक्यूमेंट टर्म मैट्रिक्स को कॉल किया जो कि इनिशियली
जो हमारे पास आर्टिकल का एट्रीब्यूट था जब हमने उस पर काउंट वैक्टराइज इस्तेमाल किया था तो वो डी टी एम में कन्वर्ट हुआ था। तो डी टी एम को ऑरिजिनली अगर देखा जाए तो ये टोटल नंबर ऑफ़ दी एट्रीब्यूट्स हमारे पास हैं जो आर्टिकल्स के, और 54777 उसके स्पार्स मैट्रिक एट्रीब्यूट्स हैं जो काउंट वैक्टराइजर को इस्तेमाल करने के बाद आया था। अगर आप इसकी शेप और लेंथ को देखें तो और भी क्लियरली हो जाएगा, जो हमारे पास जो लेंथ है वही उसकी शेप में भी आ रही है। अब हमें क्या करना है, एल डी ए मैथड्स को डी टी एम में ट्रांसफॉर्म करना है, यानी जो हमारे पास नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स है उस पर हम अब ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं डी टी एम को, और रिजल्ट टॉपिक के अंदर वो तमाम चीज़ें 7 टॉपिक के रिजल्ट से कन्वर्ट हो जाएंगी। लिहाजा ये करने के बाद अगर मैं टॉपिक शेप के टॉपिक रिजल्ट के शेप को देखूँ तो अब पूरा जो नंबर ऑफ एलिमेंट था हमारे पास 1192 वो शेप 7 में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि जितने भी हमारे पास आर्टिकल हैं वो उन 7 टॉपिक्स में से कुछ हो सकते हैं। और अगर मैं टॉपिक ज़ीरो को देखूँ, सिर्फ स्पेसिफिक टॉपिक ज़ीरो को देखूँ, तो इस वक्त टॉपिक ज़ीरो में जो टॉपिक्स हैं 0 से 6 तक उनकी तमाम की प्रोबेबिलिटी आ रही है। यानी फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर 1 पर टॉपिक जो मौजूद है वो टॉपिक 0, टॉपिक 1, टॉपिक 2, 3, 4, 5, 6 किस पर जितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है उस वाइज यहाँ पर शो हो चुका है। लिहाजा यहाँ पर जो डेसिमल पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, तो मैं राउंड 2 पे इसको शो करता हूँ, और उसके बाद आर मैक्स के ज़रिए से जिनकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसे हम यहाँ पर कॉल कर लेंगे। तो अगर मैं राउंड 2 पे देखूं तो इस वक्त ये टॉपिक जो इंडेक्स नंबर 1 पर मौजूद है इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, लिहाजा इस बेस पर टॉपिक रिजल्ट 0 इंडेक्स पर जो आर्टिकल मौजूद है वो हमारे टॉपिक नंबर 1 से बिलोंग करना शुरू हो जाएगा। तो लिहाजा इसके लिए मैंने आर्क सॉर्ट को, आर्क मैक्स को कॉल किया है ताकि वो डायरेक्टली टॉपिक असाइन कर ले, और वो टॉपिक 1 पर यहाँ पर असाइन होने के बाद आ चुका है। तो इस तरह हमारा मॉडल रेडी हो चुका है कि वो किसी भी एट्रीब्यूट्स पे या डेटा पर टॉपिक अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल टॉपिक हैंडलिंग असाइन कर सकता है। लिहाजा फाइनली अब मैं फाइनली अपने ओरिजिनल डेटा पर इसे अप्लाई कर सकता हूँ। लिहाजा मैंने ओरिजिनली जो डेटा था हमारे पास NPR के नाम से उसके हेड को यहाँ पर कॉल करता हूँ, जिसमें आर्टिकल का एट्रीब्यूट था ओरिजिनली जो हमने स्टार्टिंग पे भी देखा था वो यहाँ पर मौजूद है। अब मैं अपने रिजल्ट टॉपिक पे आर्कमैक्स पे एक्सेस 1 अप्लाई कर रहा हूँ, और उसके बाद अपने उस टॉपिक पे अपने रिजल्ट को कॉल कर लूँगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मैं एक सेपरेट एट्रीब्यूट बनाऊँगा टॉपिक के नाम से, अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है, आर्टिकल मौजूद है, टॉपिक के नाम से एक एट्रीब्यूट बनाऊँगा, उसके अंदर अपने इस रिजल्ट टॉपिक के मुताबिक जो 0 से 6 तक के टॉपिक हैं वो अलाइन हो जाएंगे। लिहाजा इसके बेस पर मैंने इसे कॉल किया, और कॉल करने के बाद जब मैं ओरिजिनल डेटा के हेड को 20 क्वांटिटी पे देखता हूँ तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि आर्टिकल के साथ टॉपिक असाइन हो चुका है, और 0 से लेकर 6 तक के तमाम टॉपिक्स यहाँ पर आ चुके हैं जो कि ओरिजिनली इन आर्टिकल्स में मौजूद डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड की उन प्रोबेबिलिटी से कॉल कर रहे हैं जो प्रोबेबिलिटी हमने 0 से 6 के दरमियान बनाई हुई है। यानी अगर मैं इस इंडेक्स नंबर 0 की बात करूं जो 1 से यहां पर बिलोंग कर रहा है, तो 1 से बिलोंग करने का मतलब ये है कि इस टॉपिक के अंदर जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड्स हैं अमंग ऑफ दीज 15 वर्ड्स वो ज़्यादा से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ दी 0 to 5 अदर टॉपिक्स। तो इस तरह से हमने इस सेशन के अंदर देखा कि नॉन नेगेटिव मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली क्या है, और किस तरह से हमने एक लिटिल बिट चेंजिंग की, जहाँ पर हम LDA मेथड को इस्तेमाल कर रहे थे वहाँ पर हमने अपने कोड को एक्सचेंज करके NF से एक्सचेंज कर दिया, और रेस्ट ऑफ दी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही थी जो हम प्रीवियस सेशन पे करके आ रहे थे। तो ओरिजिनली इस डेटा को हमने एक्सचेंज किया और NMF मेथड के ज़रिए से हमने इसे इम्प्लीमेंट करके देखा और टॉपिक असाइन की। ये तक जो भी प्रेजेंटेशन स्लाइड है या कोड है विच मीन ये नोटबुक है वो तमाम मैं अपने ब्लॉग fahadhussaincsblogspot.com पर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप यहाँ से फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ कर पाएंगे। अब अगर डिफरेंस की बात की जाए कि LDA और NMF में क्या डिफरेंस है, तो दोनों में ऐसी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, दोनों की कॉम्पिटिशनल पावर में ज़रूर डिफरेंस है कि वो दोनों की वर्किंग अलग अलग तरीके से है, लेकिन दोनों का मकसद जो है वो क्लस्टरिंग और डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए इस्तेमाल है। लेकिन जब हमारे पास डेटा सेट की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी हमारे पास ह्यूज डेटा सेट होता है, तो हाईली रिकमेंडेशन ये है कि आप NMF यानी नॉन नेगेटिव फैक्टराइजेशन मैथड को इस्तेमाल करें ताकि जो रिजल्ट और एक्यूरेसी है वो ज़्यादा बेहतर आ सके एज़ कम्पेयर टू दी LDA। लिहाजा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आप NMF के हवाले से मज़ीद पैरामीटर ट्यूनिंग के हवाले से जानना चाहते हैं तो उसके scikit-learn की लाइब्रेरी पर आकर इस पेज पर आकर मज़ीद जान सकते हैं कि NMF मेथड क्या है और ये किस तरह से काम कर रहा होता है, उसके हर पैरामीटर क्या है। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोज़ के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिले। और अब हम मूव होंगे डीप लर्निंग की तरफ, क्योंकि हमने मशीन लर्निंग से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ें हम कर चुके हैं और ये टॉपिक नंबर ऑलमोस्ट
ऑलमोस्ट 28 हमारा वीडियो सेशन था, जिसके अंदर हम अभी तक सिर्फ मशीन लर्निंग के हवाले से ही बात कर रहे थे। तो नेक्स्ट सेशन पे हम बात करेंगे कि डीप लर्निंग, इसी तरह परसेप्ट्रॉन और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, और देन उसके नेक्स्ट सेशन के अंदर हम टेंसर फ्लो क्लास के हवाले से बात करेंगे और एक बेसिक एग्जांपल भी करेंगे ताकि हम क्लास की प्रैक्टिस कर सकें, और फिर सो ऑन डीप लर्निंग से रिलेटेड जितने एनएलपी पे टॉपिक हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।